इसकी बैक साइड है श्राइन बोर्ड की, उस पर तो लिखा हुआ है कि जम्मू का लोगो नहीं है सर, श्राइन बोर्ड ने हमें नहीं पता कि ये श्राइन बोर्ड के अंडर नहीं आता। तो अभी हम एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, अभी यहां से देखते हैं क्या प्रोसीजर है। तो ये रहा आगे, कुछ नहीं टेंशन क्यों ले रही है, बोलना ना तो जब हम फैल होगा ना। क्या नाम? भूषण वर्मा। सोनिया गुप्ता। सोनिया गुप्ता कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से? चलो नाम का टेस्ट करो। टेस्ट कराना जम्मू वालों का तो नहीं है टेस्ट करना? राहुल गुप्ता कहाँ से? जम्मू। टेस्ट करो। जम्मू वालों का टेस्ट तो है ही नहीं सर, जम्मू वालों का टेस्ट ही है, लोकल के लिए टेस्ट है। किसने बोला? हमने बोल दिया। हमने वेबसाइट पे नहीं देखा सर, हमने बोल दिया टेस्ट है तो टेस्ट है। कैसे है? बट वेबसाइट भी तो नहीं जाना हुआ सुना, नहीं जाना वो आपके लिए नहीं जाना वाला क्या बात होती है। सही, तो यहाँ पे देखो इस तरह से होता है, ऑनलाइन लिखा हुआ कि जम्मू वालों के लिए टेस्ट नहीं है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि टेस्ट है, ऐसे कैसे चलेगा? तो यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड ही फ्रॉड चलता है, मुझे नहीं समझ, मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ एक, क्या हो रहा है ये? बाहर वालों का हम करते ही नहीं है। नहीं, जो उनकी वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, उस पर तो लिखा हुआ है कि जम्मू का लोगो नहीं है सर, श्राइन बोर्ड ने हमें नहीं पता कि ये श्राइन बोर्ड के अंडर नहीं आता, तो हमें इसीलिए लगाया सर। मेरे पे क्यों गर्म हो रहे हैं? मेरी ड्यूटी लगाई है, यहाँ टेस्टिंग करनी है जो लोकल आएगा। तो फिर वेबसाइट पे इसके लिए आप सेंटर ऑफिस में जाके पता कर लीजिए क्या वेबसाइट पे है, वो वहाँ से वो डालते हैं। हमें ड्यूटी लगाई है जो लोकल आएगा उसका टेस्टिंग करनी है, जो बाहर से आएगा उसकी रिपोर्ट चेक करनी है। जी ये टेस्ट है ना, अभी नेगेटिव ही लिखा है, वो पॉजिटिव होगा तो फिर हम उसको क्रॉस कर देते हैं, फिर घर जाना पड़ेगा आपको। तो भाई सैंपल ले लिए गए हैं, अब देखते हैं कि तैयारी पूरी आती है। अभी थोड़ी देर यहाँ रुकते, थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है, थोड़ा सा अगर गट्स है ना भाई बंदे के अंदर तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, वरना तो भाई फट जाएगा। नेगेटिव। तो ये भाई कोविड का सैंपल हो गया अपना, पहली बार स्टैंप लगा इधर, और कुछ मूवीज में लगता था ना। तो गाइस अभी हम एंटर हो चुके हैं कटरा दरबार, मतलब कि दरबार नहीं, बस एंट्री गेट से एंटर हो चुके हैं, और अभी बस चल रहे हैं धीरे धीरे। और नीचे देखो भाई, पता है ना क्या है, सब आते हो, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनली अभी घर पहुंच चुका हूं, तो ये क्लिप तभी रिकॉर्ड करवा रहा हूं। अभी थोड़ी नींद है आँखों में, अभी भी एक्चुअली नींद तो नहीं है बट थक चुकी हैं आँखें, तो आवाज़ भी थोड़ी अभी इस टाइम है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो वीडियो एडिट कर रहा था तो लास्ट में ये चीज़ डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो का पूरा कंक्लूजन आपको बताना है। एक तो उनकी जो वेबसाइट थी श्राइन बोर्ड की, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा स्क्रीनशॉट, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जम्मू से हो तो आपको कोविड टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप रेड जोन से फॉल करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं तो किसी रेड जोन से आता नहीं। तो उसके बाद जो उन्होंने कोरोना टेस्टिंग की हमारी, तो आप देख रहे होगे वीडियो में, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा, तो उसमें जो हमारी टेस्टिंग जो सैंपल्स ले रहा था उसने पीपीई किट भी नहीं डाली थी। तो जहाँ पे जो टेस्ट होता है कोरोना का, वहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं तो उस सब लोगों ने पीपीई किट डाला होता है, बट उसमें से एक भी पर्सन ने पीपीई किट नहीं डाला था।
क्या फिर इसका कंक्लूजन क्या निकाला जाए कि क्या वहाँ पे सच में कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी या सिर्फ ऐसे ही फ्रॉड चल रहा है कोई और? क्योंकि अगर होता है तो पीपीई किट तो सब डालते हैं ना। अब भाई जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे भी लोग डालते हैं, और यहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कोई ना डाले, तो ये तो भाई कुछ तो समझ नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका है। अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, बाकी सब कुछ आपके सामने साफ साफ है, क्योंकि भाई हम सब ट्रांसपेरेंसी सामने रखते हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं होता जो छोड़ दिया ऐसे ही, कोई अच्छी चीज़ें बताता हूँ बुरी छोड़ देता हूँ। मैं जो भी होता है सब सच बता देता हूँ, बाकी लोगों की तरह हम पेड मीडिया वाले नहीं हैं, हम यूट्यूबर हैं और जो होता है वही दिखा देते हैं। तो अगर आपको जाना जा सकते हो, जो वीडियो में मैंने दिखाया वैसा ही सब कुछ आपके साथ होगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पता नहीं। अब यहाँ पे मेरी इस बाजू पे उन्होंने राइट वाली पे सैंपल का वो लगा दिया था, लोगों सा मतलब कि स्टैम्प लगा दी थी यहाँ पे। तो अभी वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे क्लोज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और साथ में ये तो एक ही वीडियो है अभी, इसके बाद और वीडियो आएंगी। मैं अभी मतलब कि अभी नहीं, वीडियो के सीरीज़ के अनुसार हम अभी ये फर्स्ट वीडियो होगी, और सेकंड वीडियो में हम जाएंगे ऊपर भवन तक, और थर्ड वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दूंगा। वो सब जहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी हैं सबका अच्छे से सिनेमैटिक शॉट दूंगा। और फोर्थ वीडियो में हम वापस आ जाएंगे, दैट्स इट। चार ही वीडियो रखूँगा इस बार। तो चलो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। अगर आपको जाना है जा सकते हैं, एंड बाकी सब अच्छे से होता है। अब अपनी प्रिकॉशंस रखें, देन एवरीथिंग इज़ फाइन। जय माता दी।